सो हे गाइस, क्या आप ऐसा गेम बनाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं गेम चला के दिखा देता हूँ, और जो आवाज काफी फनी है। और अगर आप जो है इसको चुक जाते हैं, इसको करने का, तो ये ऐसी आवाज देगी। और आप साउंड को ऑन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी मेरे एसेट्स यूज किए हैं, जैसे बजर, जैसे ये टडा और नॉइंक, तो ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो अब हम जल्दी शुरू करते हैं ऐप को बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी स्क्रीन ले आया हूँ, और यहाँ पे एक पैडल डॉट जिफ है पहले से। आपको क्या करना है, सिंपली अपलोड करना है और चूज फाइल करके वो आप पैडल डॉट जो गिफ है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें एक लेआउट बनाना है, तो हम सबसे पहले एक सिंपल लेआउट बना लेते हैं। उसके लिए हमें कैनवास चाहिए होगा, तो हम कैनवास को यहाँ डाल देते हैं। और जो हमारी जो कैनवास की विड्थ होगी वो होगी फिल पेरेंट, तो हम पूरी जो भी पूरा गेम है उसे फिल पेरेंट में रन करेंगे। और उसके बाद जो हमारी हाइट होगी वो होगी हमारी 170%। ओके, तो 70% मैं परसेंटेज इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये जो ऐप है वो यूनिवर्सल हो जाती है, वो किसी भी किसी के भी फ़ोन में रन कर सकती है, चाहे वो टैब हो, लैपटॉप हो या कुछ भी हो। तो अगर मैं ये थोड़ा कम हो गया, मैं 80 ले सकता हूँ आराम से, 80% तो अभी ठीक हो चुका है ये। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बॉल चाहिए होगा, तो मैं बॉल को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और एक जो इमेज की एसेट चाहिए वो यहाँ प्लेस कर देता हूँ। और जो इमेज होगा उसमें मैं पिक्चर डाल दूंगा, वो है पैडल डॉट जिफ। तो मेरा पिक्चर जो है, मेरा एक मिनट ही कहीं और चल गया, मैं इसको डिलीट करके फिर से डालता हूँ। और मैं इसका पिक्चर दे दूंगा पैडल डॉट जिफ और ओके कर दूंगा। तो ये जो पैडल जो जिफ है वो यहाँ आ जाएगी। फिर हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ पे एक बटन, पहले स्टार्ट फंक्शन हम कॉल करने वाले हैं, उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके कुछ वेरिएबल सेट कर लूँगा। जो हमारा इंटरवल होगा वो होगा सिंपली 50, और जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा 25। और अगर आप गेम को कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो स्पीड आप 50-50 भी कर सकते हैं, पर वो बहुत स्पीड हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ 5 कर दूंगा, और जो मेरी बॉल का रेडियस होगा वो मैं सिंपली यहाँ 10 कर दूंगा, ताकि जो हमारे बॉल है वो विजिबल हो जाए। और उसके बाद जो हमारा पेंट का कलर है वो मैं कर दूंगा ब्लू, लेट्स से ब्लू। तो बहुत ब्लू तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में यूज़ कर लिया था, अभी ग्रीन यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने जो है ये जो हमारा बेसिक एनिमेशन था, मतलब जो भी हमारा कैनवास था, उसको हमने बना लिया है। फिर हम चलते हैं अपने एक स्टार्ट बटन यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि हम स्टार्ट कर सके बटन को। तो मैं सिंपली यहाँ क्या करूँगा, एक स्टार्ट ऐसे बटन डाल दूंगा, और इसको नेम कर दूंगा मैं स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर दूंगा BTN स्टार्ट, ओके कर दूंगा। और मेरा जो AI कंपेनियन है वो यहाँ रन हो रहा होगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा जो बटन था वो हो चुका है, मैं इसको अनेबल ऐसे कर दूंगा। तो देख सकते हैं, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हैं ये घूम रहा है। ओके, तो यही था। और हम बॉल को अनेबल से डिसेबल कर देंगे, ताकि वो पहले ना घूमे, तो अभी डिसेबल हो चुका है वो। तो वो बॉल, अभी बॉल अगर हम रिफ्रेश करें तो खुद से नहीं जाएगा, जब तक हम स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं करते, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं अपने ब्लॉक्स पे। तो ब्लॉक्स पे सबसे पहले हमें करना क्या है, ये BTN स्टार्ट पे जाना है, और हम लिखेंगे जब हमारा जो BTN स्टार्ट क्लिक होगा, हम जो बॉल है, बॉल को बॉल हम यहाँ लिख हमें चाहिए यहाँ पे कॉल बॉल डॉट मूव टू, हम यहाँ पे ये ब्लॉक ले लेंगे। और हम जो है बॉल को अपने कैनवास के अंदर घुमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मैथ चाहिए होगा। और मैथ में सबसे पहले हम यहाँ डाल सकते हैं डिवाइडेड बाय, और हम लेंगे कैनवास का जो विड्थ होगा, तो मैं ले लेता हूँ कैनवास डॉट विड्थ। तो यहाँ पे ये कैनवास डॉट विड्थ होगा, हमें चाहिए विड्थ 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 विड्थ, ये रहा कैनवास डॉट विड्थ। और हम जो इसको डिवाइड करेंगे वो होगा 2 से, तो वो हमारे कैनवास के अंदर रहेगा। तो हम दे देंगे यहाँ पे 2, तो हमने 2 दे दिए। और हम जो वाई लेंगे वो मैं इसको कॉपी कर लूंगा इस ब्लॉक को, और मैं इसको यहाँ डाल दूंगा, और जो हमारा वाई होगा वो 0। ओके, तो हमने इतना दे दिया है। और फिर हम लेंगे सेट बॉल, हम फिर इसको अनेबल कर देंगे क्योंकि अभी ये घूमते रहना चाहिए। तो मैं लिखूंगा सेट बॉल 1 डॉट अनेबल्ड
टू ट्रू, तो मैं इधर एक बूलियन लूंगा लॉजिक में और मैं इसको ट्रू दे दूंगा। और उसके बाद मैं जो बॉल वन की जो हेडिंग है, बॉल वन आ जाओ जल्दी, और मैं बॉल वन की जो हेडिंग है उसे सिंपली यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और इसके जो हेडिंग है मैं वो रैंडम से सिलेक्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा मैं मैथ में जाऊंगा और मैं मैथ में लूंगा रैंडम। तो क्या करेगा, रैंडम नंबर कहीं से भी जनरेट करके ले आएगा। तो मैं यहाँ से रैंडम लूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे चाहिए 225 से लेकर 315 तक। तो ये कुछ ऐसा होगा हेडिंग में। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बॉल वन की जो स्पीड है उसे सेट कर देनी है 5 पे। तो वो सब हमने पहले सेट कर रखा था, पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है इसलिए हम वापस से जब बॉल क्लिक होगा तो उससे हम जो हेडिंग है उसे सेट कर देंगे। सेट बॉल वन डॉट स्पीड टू मैथ, मैं यही ब्लॉक ले आता हूँ यहाँ पे और मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूंगा। फाइल कर दिया है। और हम जो बॉल वन की जो इंटरवल भी है उसे भी ऐसे सेट करेंगे। तो मैं इसको फिर से इधर कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप से इंटरवल सेलेक्ट कर लूंगा और मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा। और उसके बाद हम यही है। और फिर हम अगर स्टार्ट, ओके, हमें पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, ये स्टार्ट। और हमने गलती से बॉल वन की जगह इसको डिसेबल कर दिया था, हमने इसको एनेबल कर दिया है। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी हमने इनकी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है तो वो हम बाद में कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।